अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नए व्लॉग में खुशामदीद। अभी दोपहर के कोई 2:30-3 का टाइम हो रहा है। अभी सुबह हुई है भाई, रात को एडिट 7-8 बजे सोना सुबह ये। तो ये रूटीन आहिस्ता चेंज करेंगे, जल्दी उठने की कोशिश करेंगे 11-12-1 बजे। अभी ये है कि सीधा नाश्ता तो मिलेगा नहीं भाई, आज बहुत ज्यादा ही लेट हो गए तो डायरेक्ट खाना खाते। खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद जो है पीसी ऑन करा है, पीसी पे बैठे। अच्छा, काफी ज्यादा लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एडिटिंग पे। तो भाई मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ और फाइनल कट प्रो यूज करता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है वो एडोब प्रीमियर प्रो बेस्ट है ब्लॉगरों के लिए। ये क्या लिया? सलाम तो करा नहीं तुमने। वालेकुम सलाम। क्या पड़का आ गया आज? दिखाओ। माशाल्लाह। ड्रोन ठीक करवाया था हमने, क्योंकि गिम्बल जो है ना वो उसका खराब हो गया था, जर्क आ रही थी और फुटेज जो है ना वो पूरी हिली थी। अभी ये है कि उसको फिलाए देंगे, चेक करेंगे। तो ये मैंने सोचा पहले बैटरियां चेक कर ली जाए कि बैटरियां फुल है तो चलते हैं भाई। ये वाली तो फुल है, ये वाली भी फुल है। तो भैया बहन के घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो छत है नहीं, तो वहाँ जाएंगे। अभी यहाँ से उतरेंगे नीचे, फिर चढ़ेंगे दोबारा 4th फ्लोर। हालत तो वैसी टाइट हो जाएगी। ये भी हम 3rd फ्लोर से उतरे और 4th फ्लोर चढ़े और हालत देख सकते हो भाई, हमारे यहाँ ड्रोन सेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? बस ये यार, ड्रोन सेट करेंगे, खराब हो गया था, तुम्हारे सामने की बात है, पूरी फुटेज जो है वो हिली थी। ये है, फ्लाई करके देखते हैं कि क्या दे रहा है। अगर नहीं सही हुआ तो भाई दोबारा वापसी लेके जाएंगे, लेकिन ये तो फुटेज ही बताएगी कि सही है भी या नहीं है। बड़े भाई नजर नहीं आ रहा है ड्रोन कहाँ गया हुआ है। ड्रोन है 300 फीट पे भाई, 300 फीट का मतलब समझ तो, ये तो आप फुटेज पे ही आपको अंदाजा होगा कि 300 फीट कितना होता है। म्यूजिक भाई क्या उतार रहे हो क्या? भाई ये है कि केबल थोड़ा बहुत मसला कर दी थी, रिमोट पे जो वो फिटेज सही नहीं आ रही थी, बाकी तो ड्रोन ओके। भैया ड्रोन को फ्लाई कर दिया, सब देख लिया, सब ओके की रिपोर्ट था। अभी ये है कि वापसी जा रहे हैं। चलो भाई, ये घर आ चुके हैं, चाय पी रहे हैं, व्लॉग जो है वो अपलोडिंग पे लग चुकी है। PSL देख रहे हैं, कराची और इस्लामाबाद का आज मैच आ रहा है। कराची जो है वो अपना 7वां मैच खेल रहा है और वो भी मुझे कश्ती जो है डूबती हुई दिख रही है। बाबर आजम जो है वो आउट हो चुके हैं, उनका कोई खास किरदार नहीं रहा भाई। ODI तो है नहीं है, T20 है, तो आपसे अगर नहीं खेला जा रहा यार आप बैठ जाओ। आपने कराची को हरवा दिया, बहुत बड़ा मसला हो गया भाई, लोगों के दिल टूट चुके हैं। कराची वाले तो हम मैच ही नहीं देख रहे, लेकिन हम तो भाई लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं PSL देखते हैं। बाकी ये व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।